और आपका दिल तो नहीं चाहता होगा आप मैच देखते ही वाला, क्योंकि मुझे कल से खतरा पड़ा हुआ था कि पाकिस्तान इस पर विकेट पे कोई ना कोई मैसअप जरूर करेगा और वो मैसअप पाकिस्तान करने में कामयाब होगा। जब उन्होंने मैच हार के दिखा दिया जी, बातचीत अली माफी चाहता है। मैंने कहा था कि बांग्लादेश मैच हार गया, मैं अपनी इस बात से माफी चाहता हूँ। हमारे पास ना तो अच्छे टेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं और ना ही अच्छी क्रिकेट पिचेस हैं। देखो, टेस्ट क्रिकेट खेलने से आती है। अब दुनिया की टॉप टीमें देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, इंडिया देख लो, ये रेगुलर इनके 10 से 12 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन टेस्ट मैचेस होते हैं, आइदर होम और अवे अगेंस्ट टॉप टीम्स, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट टेस्ट क्रिकेट। यार अफसोस हो रहा है कि बैटिंग करना भूल गए क्या, या जादू कर दिया बांग्लादेश ने, या पिच ने जादू कर दिया। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही थी, लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान 2-0 जीतेगा और आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की पेशरफ्त हो जाएगी, लेकिन जो बांग्लादेश ने की, क्या कहेंगे का? जीतना भी चाहिए था भाई, बीइंग अ पाकिस्तानी, बांग्लादेश और हमारा क्रिकेट में कोई कंपैरिजन नहीं। तो आप समझते हैं कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है। और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकते, ये नाकाबले माफी टाइप की ये एक डिफीट है। और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान के, कंडीशंस बहुत अच्छी थी। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट न्यूयॉर्क, पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट इन इंडिया, पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट इन साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट जिम्बाब्वे, पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट इन आयरलैंड, पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट इन पाकिस्तान। इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि ये हाल होना था हमारा, ये हाल हमारा करवा दिया इस टीम ने कि बांग्लादेश हमें घर के अंदर हरा के जा रहे हैं। जो लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है हमारे लड़कों के अंदर, वो अयां हो जाती है जब भी हम टेस्ट सीरीज खेलते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आपके पास होने भी नहीं चाहिए अल्फाज, आप तो कल तो ड्रॉ करा रही है, ड्रॉ हो जाएगा, मैं तो आपको कल से कह रहा हूं पाकिस्तान हार सकता है। हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, इसलिए बोला हम स्ट्रॉन्गर हैं, जो आप लोग समझते हैं हम इनसे तकड़े हैं, हम इनसे तकड़े। अरे भाई कहां से तकड़े हो, स्पिन आप खेल नहीं सकते, बाउंस आप खेल नहीं सकते। बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर डाली है, पहले मर्तबा पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश ने अपने घर पर हरा दिया है, और न सिर्फ हरा दिया है बल्कि 2-0 से 2-0 से वाइट वॉश कर डाला है पाकिस्तान को। बांग्लादेश की आउट क्लास परफॉर्मेंस, न पाकिस्तान की बल्लेबाजी काम किया ही न गेंदबाजी, 185 का टारगेट बांग्लादेश ने पूरा कर डाला और यू इस सीरीज में 2-0 से वाइट वॉश कर डाला है। बांग्लादेश की टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर डाली है पाकिस्तान के खिलाफ। घर में आकर पाकिस्तानी टीम को जिस तरह बांग्लादेश ने हराया है, पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर रो रहा है, और इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी टीम और प्लेयर्स पर शदीद तनकीद करती दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले ये कम्प्लीट वीडियो देखते हैं। हमारे पास ना तो अच्छे टेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं और ना ही अच्छी क्रिकेट पिचेस हैं। देखो, टेस्ट क्रिकेट खेलने से आती है। अब दुनिया की टॉप टीमें देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, इंडिया देख लो, ये रेगुलर इनके 10 से 12 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन टेस्ट मैचेस होते हैं, आइदर होम और अवे अगेंस्ट टॉप टीम्स, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट इज वन। आप समझते हैं कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है। और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकते, ये नाकाबले माफी टाइप की ये एक डिफीट है। और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान के, कंडीशंस बहुत अच्छी थी। हाँ माना, पहले 2-3 ओवर्स गेंद थोड़ा सा मूव किया है, मगर पाकिस्तान की एक मानी ग्रामी टीम है, घबराना तो उनको चाहिए था, मगर गलतियों पर गलतियां पाकिस्तान करता है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर थिंक टैंक जो है वो ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, वो इसी घबराहट का शिकार है कि कहीं मैच ना हार जाए। सो जब वो इस घबराहट का शिकार होते हैं तो टीम भी उसी फिर लय में खेलती है कि व्हाट इफ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। और फिर ऐसा हुआ कि तीनों शोबों में ऑफ दिखे, कम नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और फिर दोबारा से खड़े होना है, रीग्रुप होना है। फील्ड में कोई ऐसा दिख नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है वो 100% फाइट कर रहे हैं कि ये मैच हमने जीतना है, जैसे कि खुद ही चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरी टीम तैयारी करके आई हुई है और आप देख सकते थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, फिर नाम से आप जो है वो आउट नहीं कर सकते हैं अब टीम्स को जब तक गेंद को स्विंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने ऑल आउट फास्ट बॉलिंग खिलाए अपने 4 फास्ट बॉलर्स, मगर आप देख लेना मोमेंट्स के ऊपर चौका भी लगा, मोमेंट्स के ऊपर छक्के भी लगे, उन्होंने परवाह नहीं की। यूएसए की बॉडी लैंग्वेज एग्जीक्यूशन लाजवाब।
इस तरह जिस तरह बच्चों की तरह मार खा रहे हैं, इस तरह बच्चों की तरह मार नहीं खा सकता पाकिस्तान टीम। बट पाकिस्तान टीम इज बीइंग हैमर्ड, लिटरली हैमर्ड। अगर पाकिस्तान ही इम्प्रूव नहीं करेगा और इस तरह खेलता रहेगा बल्लों की तरह, और चले बल्ले नहीं होते चले और बल्ले, उस तरह खेल रहा है और बिल्कुल क्लूलेस खेल रहा है, कोई पता नहीं क्या करना है, किसने बॉलिंग करनी है, किसने बैटिंग करनी है। कप्तान साहब अपना वो जा रहे हैं, टीम वो खा रही है, दे मार 4:30 हो रही है, तो दैट इज़ इट्स ए सैड सिनेरियो। तो पाकिस्तान का सोचना है कि करना क्या है। पाकिस्तान नीड्स टू गियर अप। दुनिया हैज़ मूव्ड ऑन एंड एन वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। वो किसी और क्लासिक रेड खेल रहे हैं, हम वही धक्यानुसी आइडियो में फंसे हुए हैं, इससे करा लो उससे करा लो। बट एनी वे इट्स ए सैड सिनेरियो, बैड लॉस। आई मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई यू स्टैंडिंग राइट नाउ। हम बहुत ऑफ कलर्ड है, हमारी जो लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है हमारे लड़कों के अंदर वो आयां आ जाती है जब भी हम टेस्ट सीरीज खेलते हैं। अब मैं ये समझता हूं कि अब रेडिकल डिसीजन इसलिए लेने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट को लेने पड़ेंगे। मैनेजमेंट कम अंडर हैवी फायर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैनेजमेंट ने अभी सही फैसले ना किए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तगड़ा हो चुका है इस वक्त और लोग इस वक्त बहुत क्रिटिकल हो चुके हैं और पिनिकल पॉइंट पे आ चुके हैं कि अब जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही थी, लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान 2-0 जीतेगा और आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की पेशरफ्त हो जाएगी, लेकिन जो बांग्लादेश ने की क्या कहेंगे? जीतना भी चाहिए था भाई, बीइंग अ पाकिस्तानी, बांग्लादेश और हमारा क्रिकेट में कोई कंपैरिजन नहीं। अब अगर एज ए प्रोफेशनल बात करूं, एज एनालिस्ट बात करूं, उन्होंने आपसे बेहतर क्रिकेट खेली। अजहर महमूद कहते हैं कि हमारी मर्जी की पिच नहीं बनी। नहीं, अजहर महमूद को ये बोलने का पहली बात तो ये उनके सवाल का मैं काउंटर यूं करूंगा, अगर आप ये बोल रहे हैं ना माजरत के साथ तो आपकी बिल्कुल नहीं चलती। सही, मैं मान नहीं सकता आपने डिमांड की हो, इन्होंने बनाने की कोशिश ना की हो। सही कह, तो अफसोस हो रहा है ना आपको, एक एवरेज टीम ने आपको बेसिकली ना आपके हाथ से मैच लिया हुआ है। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि बांग्लादेश की टीम को बहुत ज्यादा लाइट ले रहे थे, वो आई थिंक एक्सपोज हो गए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की फास्ट बॉलर ऐसी थी जो 3 नए बॉल खिला दे बांग्लादेश को? मतलब 3 नए बॉल खिला दी आपने, 168 और आपने कर दी है, वो उनको खिलवा दी है। आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो चुकी है, ना नया बॉल किसी को करना आता है, ना रिवर्स स्विंग कहां है, घर छोड़ के आए हैं, किधर है रिवर्स स्विंग? मुझे तो ऐसा लग रहा है, इनको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने भी कभी बॉलिंग की ही नहीं है, मुझे तो अपनी बॉलिंग भूल गई कि बॉलिंग होती क्या है। दुनिया की सारी टीमें अपने मुल्कों में होती है शेर और पाकिस्तान भीगी बिल्ली से भी बदतर। पाकिस्तान में हमें कोई टेस्ट मैच जीते हुए 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है और अब नौबत यह आ गई है कि बांग्लादेश जैसा अपोजिशन भी हमारे बॉलर्स की क्लास ले रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ हमें क्लीन स्वीप शिकस्त का सामना करना पड़ा, 3 में से 3 टेस्ट हम हारे और वो अभी इस वक्त ये बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच देख रहे होंगे तो अपनी छुरियां तेज कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी आना है अक्टूबर में पाकिस्तान, और यहां आके तो छोटी छोटी टीमों के मजे होते हैं, तो इंग्लैंड के लिए तो क्या ही बात होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को वर्ल्ड वॉश की हजीमतनाक और शर्मनाक शिकस्त उठाना पड़ी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया है टेस्ट सीरीज में घर में आकर। पेंडी में पाकिस्तानी टीम को पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से, और आज भी ये शानदार जीत बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज कर डाली है। 2-0 से पाकिस्तानी टीम को हजीमतनाक और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न पाकिस्तान की गेंदबाजी काम आई, न पाकिस्तान की बल्लेबाजी तो इस सीरीज में मायूस कुन रही। पहले टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 146 पर ऑल आउट हो गई और इस टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग्स में 172 रन बना सकी पाकिस्तानी बल्लेबाजी। वह नंबर 1 बल्लेबाजी जिसमें किंग बाबर आजम भी शामिल थे, 4 के 4 मैचेस में बाबर आजम बमुश्किल 70-75 रन ही बना सके। बाबर आजम की नाकामियों के साथ साथ मोहम्मद रिजवान, कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक समेत सब नाकाम रहे, तो ही गेंदबाजी में भी जान न रही और स्पीड 130 से भी कम रही। पाकिस्तान के तीनों गेंदबाज जो थे फास्ट बॉलर, अगर देखा जाए तो 120 पायो 126 से और नए गेंद से गेंद कराते रहे। जहां बांग्लादेश के गेंदबाज इस पिच से मदद लेते रहे, वही पाकिस्तानी गेंदबाजी में जान नहीं रही और यूं बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बासानी पहले मरतबा न सिर्फ टेस्ट मैच बल्कि टेस्ट सीरीज में हराते हुए हिस्ट्री क्रिएट कर डाली है। बांग्लादेश की शानदार जीत और पाकिस्तान के शर्मनाक शिकस्त पर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया शदीद गुस्से में है। क्या कहना था पाकिस्तानी मीडिया का? कंप्लीट वीडियो आपने देखी, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने राय पाकिस्तान के शिकस्त के हवाले से ज़रूर शेयर कीजिएगा।